ये देखो मैंने हरियाली से गुलदस्ता चुराया है और निकालने के लिए। ये नितान्या सो रही है और उसके पापा कल चले गए थे शाम को, तो आज नाइट हम दोनों की थी साथ में। पापा उठते उठते पापा को याद करती है मेरी नितान्या, तो अभी ये उठने का टाइम हो गया है इसका। बहुत देर से सो रही थी तो घर वाले बार बार में पूछ रहे थे क्या हुआ, उठी नहीं रही है, उठी नहीं रही है। क्योंकि जब घर में बच्चा होता है और वो नहीं दिखता है तो सबको ये है कहाँ है कहाँ है, और जब सो रहा है तो सब उसके उठने का वेट करते हैं बेसब्री से, तो मेरा काम भी ख़त्म हो जाता है तब मैं नितान्या के उठने का वेट करती हूँ, है ना बेबी, है ना। क्या हुआ, पापा कहाँ है, पापा ड्यूटी गए? हाँ मेरे गुड्डू पता नहीं क्या क्या बोलता है, लड़ता रहता है लोगों को कि पापा, वो जाने अजीब अजीब से शब्द बोलती है मेरी नितान्ना। और 2 दिन पहले ऐसे बोली पापा को, पापा दे दे, मतलब दो शब्द एक साथ बोली मेरी नितान्या, पापा दे दो, ऐसे बोली वरना रुक के देती है, दे दा वरना रुक रुक के बोलती थी पापा, और फिर बाद में दे 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 ऐसे बोलती थी। लेकिन एक दिन नितान्या पापा दे दो ऐसे बोली, तो अब नितान्या चलो बाहर घूमी घूमी करने चलेंगे, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है बाहर आज। ये देखो बच्चा, ये नाइट को भी इसकी नींद खुल जाती है तो फिर ऐसे खड़ी हो जाती है, मुझे पता ही नहीं चलने देती। उठ गया बेटो, तो अभी बजे हैं 7:30 और सारा काम हो गया है। अभी मुझे खाना बनाना है, सो खाना तो हम थोड़ी लेट बनाएंगे, रोटी बनानी है क्योंकि आज मैं हूँ, नितान्या है और इसके दादा दादी हैं, तो वो तो लेट ही खाते हैं, लेकिन मैं जल्दी खा लेती हूँ, पर कुछ और भी चीज़ें खा लेती हूँ, इसलिए फिर मैं बाद में बना लेती हूँ खाना, जब ये मुझे बनाने देती है, जब इसको खिलाने ले जाते हैं ना खेत साइड जब तो गांव में ऐसा मौसम है ना, अभी बरसात ही बरसात हो रही है, रिमझिम रिमझिम हो रही है। मैं जब भी घुड़ा गई हूँ ना, हर बार मुझे बारिश मिल रही है, तो मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाता है, मैं रिटर्न आ जाती हूँ। लेकिन अब तो वो ड्यूटी चले गए हैं, तो अभी मेरा घुड़ा वगैरह जाने का कोई प्लान नहीं, अगले महीने जाऊँगी, बाहर जाऊँगी घूमने वगैरह। अभी तो मौसम खराब है, मेरी आवाज़ भी ऐसी बैठी बैठी हो गई है, और नितान्या की भी थोड़ी सी आवाज़ ऐसी हो गई है, खराश सी आ गई है गले में। ऐसा वेदर है ना ठंडा, तो फिर इस वजह से ऐसा हो जाता है। तो अभी मैं खेतों साइड तो मैं गई ही नहीं हूँ, अभी मैंने देखे ही नहीं है, बस हमारे पीछे इधर साइड खेत है वो देखा है मैंने पीछे से, और हमारे जो कुआं है ना, जो मैं आपको दिखाती थी उसमें पानी आता था, तो वो पानी बताया कम हो गया है, पहले ज्यादा आता था, अब कम पड़ गया है पानी, तो उसमें कुएं में काम चला रखा है, उसको और गहरा कर रहे हैं ताकि पानी अच्छे से आ पाए और हम लोग इस बार गेहूं की फसल खुद से कर पाए, क्योंकि पिछली बार इन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि कोई गेहूं ने नहीं उगाया था क्योंकि बाहर से खरीदा था, क्योंकि इतना पानी नहीं था कि गेहूं अच्छे से फसल हो पाती गेहूं की, इस वजह से फिर किसी ने गेहूं नहीं करे थे, तो सबने बाहर से खरीदा था, तो इसीलिए इस बार मेहनत कर रहे हैं ताकि गेहूं खुद की फसल कर पाए। मैं बाहर चलती हूँ, फिर बाहर का व्यू दिखाती हूँ आप सबको। अभी सुबह सुबह क्या कर रहे हैं, अभी सुबह सुबह तो भैंस जो होती है ना, भैंसों को तो खोल के डूंगर में भेज देते हैं, तो वो अब बिंदास घूम घाम के शाम को आती है, कोई काम नहीं रहता भैंस का दिन में। और नितान्या मेरी बेटी देखो उठते ही खेलने लग गई है, खेल रही है, बिजी है, तो मैं इसको बाहर लेके जाऊंगी, घूमी घूमी करेगी, और इसको जब मिट्टी टच करती है ना तो ये बहुत ज्यादा रोती है, क्योंकि इसको गंदा गंदा फील होता है, क्योंकि वहाँ इतना टच नहीं करती थी, तो मैं खूब मिट्टी में बैठाती हूँ, इसके साथ खेलती हूँ, फिर भी धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा, कोई बात नहीं। ये देखो इधर का मौसम, सुबह सुबह अभी धूप नहीं खिली है, मैं और नितान्या आ गए हैं घूमने, मैं और नितान्या जा रहे हैं खेतों साइड, आगे मत जाए, सामान और ले आएगी या उबासी ले रही है, या सोती उतरी आई अभी। तो ये जो व्यू है वो मैंने आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ बदलाव सा नज़र आ रहा होगा। तो ये जो परित बाबा का स्थान है और उधर साइड जो कुआं है और ये जो पत्थर से दिख रहे हैं ना आपको, तो क्या है ना हमारे कुएं में काम चल रहा है, क्योंकि पानी नहीं है, ख़त्म हो गया है, तो पानी मतलब कम आता है हमारे, जो पहले आता था मैं वीडियोज़ में दिखाती थी, मोटर ज़्यादा टाइम चलती थी, अब बहुत कम टाइम चलती है, इसलिए इसको और गहरा करवा रहे हैं ताकि पानी हो जाए तो अच्छा है,
तो इसीलिए इसमें काम चल रहा है। देखो इतना कचरा निकला है कुएं में से, देखो इतना मलबा निकलता है भगवान। और आधा जितना मलबा निकला है देखो ये रोड सा बना दिया है उससे घर आने जाने के लिए। तो कुआ तो पता है बिजी सा हो गया, इधर सामान वामन पड़े रहते हैं तो हम लोग बहुत कम आते हैं, देखने के लिए आते रहते हैं। तो पूरे दिन यहाँ पे आदमी वगैरह रहते हैं, काम करने वाले रहते हैं। अरे बनाब स्वर गया ओ बाबी ये जाके लेकर तू स्वर गया रे ते जो तो सीन आ रहे हैं ना तो वो बिल्कुल वो चाहे है कि कर सो दल दल हो बता दे। तो ये देख सकते हो कितनी अच्छी हरियाली है, कितना मस्त व्यू है। इस हरियाली के लिए मैं यहाँ से आई हूँ, चेन्नई से गांव में आई हूँ। तो बहुत प्यारा मौसम हो रखा है और बाजरे अभी छोटे छोटे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर ये बड़े हो जाएंगे ना तो फिर आदमी नहीं दिखाई देते, तो हरियाली पूरी नहीं दिखाई देती, इसलिए मैं आपको ये व्यू दिखा रही हूँ अभी। ये देखो मैंने हरियाली से गुलदस्ता चुराया है और निकालने के लिए लिया है, निकालने के लिए अब बिखेरने वाली है। स्पीकर फट गया ना टाइम में, आ जाओ चलो। बीच में तो और भी अच्छा है। तो मैं अभी खा रही हूँ खाना, दही दाल की सब्जी और टमाटर की सब्जी, और नेतान्या हम दोनों खाना खा रहे हैं अभी।